हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका प्रवेश कुमार सिसोदिया। आज हम न्यू क्लास लेके आए हैं मेंस आंसर राइटिंग की। सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कि मेंस आंसर राइटिंग में टाइम मैनेजमेंट कैसे करके हम क्वेश्चन को कैसे टैकल कर सकते हैं। सबसे पहले तो यूपीएससी में क्या होता है, टू टाइप्स के वर्ड आते हैं, 150 में आएगा और 250 में आएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, प्रबंधन की। ठीक है, जो पूछा गया है वही उत्तर देना है, वही उत्तर। फिगर कितने यूज करने हैं उसके ऊपर लोगों को कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, कॉन्क्लूजन की बात करते हैं उसमें लोगों को कंफ्यूजन रहता है। भूमि का इंट्रोडक्शन जिसे कहते हैं उसमें कहते हैं, तो डायग्राम यूज करने हैं नहीं करने हैं, ये सारी चीज़ें आज हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले क्या है, यदि निर्धनता को समाप्त करना है तो वंचितता प्रक्रम को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये है कि भारत का प्रजातंत्र किस हद तक अपना उद्देश्य पूरा कर पाया है। यानी यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन दिख रहे हैं, दो क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि इसका आंसर जो होगा सिमिलर ही है। ठीक है, मैं कैसे बता, सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को टैकल करते हैं, यदि निर्धनता को समाप्त करना है। ठीक है, जनरली क्या होगा, एक आम स्टूडेंट क्या होता है, केवल निर्धनता पे फोकस करेगा, वो ये भूल जाएगा जो निर्धन व्यक्ति होगा वो उत्पादन श्रृंखला में नहीं होगा, उसकी आय कम होगी, गरीबी होगी, पोषण नहीं होगा, स्वास्थ्य से रिलेटेड होगा, यानी कि वो जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें उस लेवल से कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएगा, तो गवर्नमेंट को उसके लिए सब्सिडी देनी पड़ेगी, फ्री में राशन देना पड़ेगा, जो देश की समृद्धि के लिए घातक सिद्ध होता है। यानी कि जिस राष्ट्र में ज़्यादा सब्सिडी, यानी कि इसका मतलब क्या, उस राष्ट्र में गरीबी बहुत ज़्यादा है। तो ये यहाँ पे पूछा गया है कि यदि निर्धनता को समाप्त करना है तो वंचितता के प्रक्रम को, वंचितता का प्रक्रम का मतलब है जहाँ पे गरीबी होगी, पोषण नहीं होगी, शिक्षा में असमानता होगी, बहुत सारे सेक्टर हैं वंचितता में हो गए, यानी कि वो विकास में भूमिका नहीं निभा रहे होंगे, तो उस चक्र को, वंचितता के प्रक्रम को, यानी कि आप गरीबी हैं तो आप में पोषण भी खराब होगा, आय भी खराब होगी, गरीबी होगी, कुपोषण होगा, शिक्षा नहीं होगी, तो इसीलिए इसने बोला है कि वंचितता के प्रक्रम को तोड़ना पड़ेगा। यानी कि आपको निर्धनता समाप्त करनी है तो वंचितता के प्रक्रम को तोड़ना पड़ेगा। केवल यहाँ पर आप केवल निर्धनता के बारे में नहीं लिखेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की अप्रोच क्या है कि भारत का प्रजातंत्र किस हद तक अपना उद्देश्य पूरा कर रहा है। यानी कि यहाँ पे बोला है कि भारत का जो लोकतंत्र है, यानी कि हम 75वां वर्षगांठ बनाएंगे स्वतंत्रता दिवस की 2022 में, तब तक किस हद तक उसने अपना उद्देश्य पूरा किया। उद्देश्य क्या होता है, वंचितता के चक्र को तोड़ना, यानी कि जहाँ पे गरीबी कम होगी, वही तो बोला था। हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू ने, कि हमें समानता लानी है, समानता कितनी है, स्वास्थ्य में समानता कितनी है, अर्थव्यवस्था में समानता कितनी है, गरीबी कितनी है, पोषण किसे मिल रहा है, आय में कितना सबका कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सब्सिडी क्या हो रही है, तो ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दोनों का आंसर सिमिलैरिटी दिखाता है, यानी कि इसकी जो भूमिका बनेगी उसको थोड़ा सा हमें एक लाइन चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद दोनों का, यानी कि हमें प्रजातंत्र किस हद तक उद्देश्य, तो सवाल क्या है, भारत का प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, किस हद तक अपना उद्देश्य, यानी कि इस सवाल में क्या है, किस हद तक, यानी कि हम निगेटिव वाले पोर्शन को यहाँ पर दिखाएंगे, क्या क्या पूरा नहीं किया, क्या क्या डाउट है हमारे लाइफ में, हमारे लोकतंत्र में, हमारे भारत देश में, तो किस हद तक अपना उद्देश्य पूरा किया है, किस हद तक। ठीक है, यानी कि वो पूछ रहा है कि आपने जो भी आज तक किया है लोकतंत्र में, क्या क्या हुआ है, आय में क्या हुआ है, जीडीपी में क्या हुआ है, गरीबी में क्या हुआ है, गरीबी रेखा एसडीआई में क्या हुआ है, इंडेक्स जो है उनमें क्या ग्रोथ की है, तो अपना उद्देश्य पूरा कर पाया है, तो ये क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है आपसे, कर पाया है, तो आपको यहां पर डाउट जतने ही बताने हैं, गरीबी में क्या कंडीशन, पोषण में क्या मिल रहा है, शिक्षा में क्या मिल रहा है, उसको बताए, कॉन्क्लूजन में बताना है कि ये चीज़ें जो हो रही हैं ये प्रॉब्लम है, इनको सही कर लिया जाएगा तो हम अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी में प्रॉब्लम ये है। तो आप कभी भी जो सवाल लिखते हैं उसकी अप्रोच को क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अप्रोच क्या है, किस हद तक अपना उद्देश्य पूरा कर पाया है, और समाप्त करने हैं तो वंचितता के प्रक्रम को तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम बतानी है और फिर उसका सलूशन बता सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दोनों उतार लीजिएगा, अब मैं इसका आंसर राइटिंग फॉर्मेशन के बारे में आपको बताता हूँ।
आई होप कि दोनों सवाल एक जैसे ही हैं, बस थोड़ा बहुत तो उसके कॉन्क्लूजन में चेंज करना पड़ेगा और भूमिका में एक लाइन चेंज करनी भी, बाकी आप जो कर तो दोनों का आंसर एक जैसा हो सकता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन को प्रारंभ करने के लिए हमें क्या चाहिए, भूमिका। ठीक है, भूमिका के लिए सबसे पहले तो मैं बोलूंगा किसी का स्टेटस आप यूज कर सकते हैं, स्टेटस यूज कीजिए, या महान व्यक्ति जो होते हैं, महान राजनेता, नेता ने कुछ कहा हो, ठीक है, कोई भी बड़ा थिंकर हो सकता है, थिंकर को यूज कर सकते हैं, यानी कि आप किसी का स्टेटस कुछ भी यूज कर सकते हैं, वो अगर आपकी पहली लाइन रहती है तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अब इस सवाल में क्या है, इस सवाल में भी मैं ऐसा कुछ करने की कोशिश करूँगा, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, दोनों का एक जैसा ही चलेगा, जो भी प्रॉब्लम होगी मैं आपको बता दूंगा। अभी क्या हो रहा है, मैं देखिए पूरा लिख के तो नहीं बताऊंगा, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको वो जो पिक्स होता है वीडियो का मैं उसमें सेंड कर दूंगा, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि सवाल हमारे पास क्या है, निर्धनता को समाप्त करना है तो वंचितता, वंचितता पर है, ठीक है, और साक्षरता को तीव्र वृद्धि करनी है और प्रजातंत्र किस उद्देश्य को पूरा कर पाया, यानी प्रजातंत्र वाला भी है और वंचितता के चक्र को भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता होगा 2022 में क्या हो रहा है, 75वां वर्षगांठ मनाई जा रही है स्वतंत्रता की, स्वतंत्रता की, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, तो इंट्रोडक्शन में मैंने आंसर लिखा हुआ है तो मैं उसी के हिसाब से आपको बताऊंगा कैसा हो रहा है। तो यहां के लिख लेंगे भारत जो है 15 अगस्त, ठीक है, 2022 को अपने 75 वर्ष पूरे कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा मेन स्टेटस हो गया, यानी कि टीचर की आपको पता लग जाएगा, ये बंदा जो आंसर लिख रहा है लोकतंत्र पर लिख रहा है, उसकी अप्रोच पर लिख रहा है और उसको बताना है प्रॉब्लम क्या क्या है, तो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसको भारतवर्ष के त्यौहार के रूप में बना रहे हैं, 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, ठीक है, और उसके बाद हम थोड़ा सा हिस्ट्री लिखेंगे इसके बारे में, यानी कि हमने 1947 में विभाजन, यानी कि हम विभाजन के घाव के साथ नए रास्ते की स्टार्ट किया था, प्रारंभ किया था, ठीक है। तब बता देंगे उस समय जनसंख्या कितनी थी, 170 मिलियन जनसंख्या थी, जिसमें से 70% गरीबी से पीड़ित थे, 12% केवल शिक्षित थे। तो ऐसी स्थिति थी, कोटेशन डाल दिया मैंने वर्तमान का, फिर उसके बाद स्थिति बता दी, क्योंकि हमें प्रारंभ से लेकर जो वर्तमान की कंडीशन होती है उसके ऊपर हमें लिखना होता है, ठीक है। 12% साक्षरता थी। अब दोनों में ये चीज़ें आपको यूज़ करनी है दोनों सवालों में, ठीक है। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम भारत और उसके लोगों की सेवा के समर्पण का संकल्प लेते हैं, यानी कि लोगों के लिए सेवा प्लस समर्पण, यानी कि दो चीज इन्होंने बात की, यानी कि हमने ये भूमिका बना दी जिसको आपको कोई टीचर काट नहीं सकता, ठीक है, ये भूमिका हमने बना दी। अब हमारे पास दो सवाल थे, अब हम अपने सवाल पे आते हैं, यानी यदि निर्धनता को समाप्त करना है तो वंचितता के प्रक्रम को हमें तोड़ना होगा, ठीक है। और पहले हम प्रजातंत्र का लेते हैं, भारत का प्रजातंत्र किस हद तक अपना उद्देश्य पूरा कर पाया है। अब भारत के लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, समानता, जहाँ पे नागरिकों की सुनी जाती है, यानी कि जहाँ पे वंचितता वर्ग ना हो, जहाँ पे गरीबी ना हो, यानी कि आपको एक को इकोनॉमिक फॉर्म में लेना पड़ेगा, यानी कि आपको लिखना पड़ेगा कि भारत का लोकतंत्र ने बखूबी ही विकास के मार्ग पर गति की है, जिसने अपनी साक्षरता, गरीबी, आय, GDP, विकास दर, स्वास्थ्य, पोषण सभी में वृद्धि की है, लेकिन उसके पश्चात भी वंचितता के चक्र तक आज भी जनसंख्या का बहुत बड़ा तबका उसके जाल में फंसा हुआ है। तो आपको ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। लोकतंत्र से पूछ रहे हैं तो आपको इंट्रोडक्शन यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे तीन वंचितता के चक्र को यूज़ करूँगा, जैसे कि
गरीबी यूज़ करूँगा, ठीक है, और निरक्षरता पूछूँगा यानी कि साक्षर नहीं है जो, और आपके और आपका भोजन पोषण, ठीक है। तो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करूँगा, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार बोल देता हूँ भूमिका में क्या लिखेंगे दोनों सवालों के लिए। प्रारंभ में क्या करेंगे हम 20 लिखा हुआ है, 2020 में हमारा भारत राज्य, हमारा भारत राष्ट्र 75वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ मना रहा है, 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, ठीक है। और भारत के प्रारंभ में यह स्वतंत्रता 1947 में विभाजन के घाव के पश्चात हमें प्राप्त हुई थी, जहां जिस रास्ते में 170 मिलियन की जनसंख्या के साथ ही केवल 70% लोग गरीबी से ग्रसित थे और 12% लोग ही शिक्षित थे, जहां खाद्यान्न पर भारत आत्मनिर्भर नहीं था, उसके पश्चात भी भारत की अर्थव्यवस्था ने अनेक योजना को अपनाकर देश की वर्तमान स्थिति में लाया है, जहां पर उसका जीडीपी, गरीबी दर, साक्षरता दर, ये सब में कमी दिखाई पड़ती है। लेकिन उसके पश्चात भी भारत का राष्ट्र वंचितता के चक्र में फंसा हुआ, जहाँ की बहुत बड़ी जनसंख्या का तबका गरीबी रेखा से नीचे आता है, तो हमें उस वंचितता के चक्र को तोड़ने के लिए एक आदर्श प्रक्रिया की ज़रूरत होगी, ठीक है। इस तरह से आप फॉर्मेशन, दोनों सवाल का अलग अलग बताएं, मैंने एक साथ बता दिया, आप उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने भूमिका लिख ली, 3 सेक्टर को हम मेज़र कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे कि किसी भी राष्ट्र की वंचितता के जाल को तोड़ने के लिए बुनियादी जरूरतों पर ध्यान देना जरूरी होता है, ठीक है। बुनियादी जरूरत पर ध्यान देना जरूरत होती है, ठीक है। समृद्धि के लिए भी कर सकते हैं, समृद्धि में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ, बनाना आपके ऊपर है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बुनियादी वंचितता का जाल लिखेंगे सबसे पहले, का जाल के बारे में बात करेंगे। डायग्राम आपको साथ के साथ ही यूज करना है, ठीक है। डायग्राम जितने ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना सही होता है, क्योंकि टीचर पैराग्राफ को पढ़ने में थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे हम, गरीबी कर लेंगे। उसके बाद क्या कर लेंगे हम, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, बट राइटिंग डजंट मैटर, बस समझ में आना चाहिए। भोजन कह सकते हैं, पोषण कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अब इसको आप चाहें तो पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकते हैं तीनों को, बट मैं आपको सजेशन दूंगा क्योंकि वर्ड लिमिट बहुत कम होती है, बहुत सारे सवाल होते हैं, 7 से 8 मिनट में आपको करना होता है, और टीचर भी कंफर्ट जब होता है कि अगर आप डायग्राम और लिखना पैराग्राफ, भूमिका आपने पैराग्राफ में लिख दी, उसके बाद ये कॉन्क्लूजन, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर कंपेरिजन करना बहुत ज़रूरी होता है सवाल में, ठीक है। तो 1947 लिखेंगे, 1947 में क्या था कि 77% लोग गरीबी से ग्रस्त थे, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आ गया। क्यों बताना, जब आप किसी के बारे में स्टार्टिंग बताएंगे, एंडिंग बताएंगे, तभी तो आप कंक्लूजन कर पाएंगे ना। तो मैंने लिख दिया इसके अंदर गरीबी थी, ठीक है। साक्षरता कितनी थी, केवल 12% लोग ही साक्षर थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, 2010 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। 2011 में योजना आयोग, देखिए आपको फैक्ट भी यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, वरना सवाल आंसर नहीं बनेगा। योजना आयोग ने क्या बताया कि हमारी गरीबी जो है वो अब रह गई है 21.9। वर्ल्ड बैंक भी कहता है कि 2021 में 6% के आसपास गरीबी रह जाएगी, यानी कि टोटल पॉपुलेशन में इतना, पहले साक्षर थे केवल, यानी कि 70% गरीब थे, अब 21 आ गए, ये हमारी उपलब्धि है, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है, 100 में से 22 लोग गरीबी नीचे रेखा से नीचे आते हैं, ठीक है।
तो आप इसको एक एक लाइन में लिखेंगे बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, क्योंकि आपको इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, तो आप उसको पॉइंट वाइज ही यूज़ करेंगे, तो वर्ड लिमिट बहुत कम है। 20 लाइन में या 25 लाइन में आपको सवाल ख़त्म करना होता है। तो डायग्राम में ये सहूलियत होती है कि हम आराम से इसको टैकल कर सकें, ठीक है। तो गरीबी का अनुपात ये हो गया, तो ये हम इस तरह से डायग्राम में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। निरक्षरता की बात करते हैं, साक्षरता में क्या कंडीशन की गई है, ठीक है। साक्षरता को आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने उच्च संस्था बनाए हैं, IIT बना ली हैं, IIM बना ले हैं, स्कूल्स बना लिए हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी यूज़ किए गए हैं, तो आप शिक्षा का 2011 की जनसंख्या में साक्षरता कितनी है वो आप डाल सकते हैं। केरल फर्स्ट नंबर पे है, बिहार की कंडीशन अभी भी सबसे लास्ट बनी हुई है। तो इस तरह के एक एक लाइन में आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। लाइन लिखेंगे तो बहुत बताएंगे, फिर उसके बाद ये चीज़ होगी, यानी कि इंट्रो टाइप से आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। उस समय साक्षर लोग कितने थे और आप 70-76 के आसपास होंगे, वो एग्जैक्टली डाटा मुझे क्लियर नहीं है तो मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। वर्तमान की साक्षरता दर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हो गया, ये हो गया। भोजन भी कह लो या पोषण कह सकते हैं आप उसको, ठीक है। पोषण की बात करेंगे, खाद्य सुरक्षा, देखिए वर्तमान में क्या क्या था, हमारे जो आज़ादी के 1947 में क्या था, हम आत्मनिर्भर नहीं थे, ठीक है। उसके बाद क्या, हरित क्रांति आई, हरित क्रांति के बाद हम आत्मनिर्भर हो गए, स्टार्ट हो गए। वर्तमान में चावल के सबसे बड़े निर्यातक है, ये उपलब्धि होगी वर्तमान की, प्रारंभ की ये होगी, ठीक है। और आप बता देंगे कि हमने तकनीक में काम किया है, कृषि में काम किया है, GDP में कंक्लूजन है, तकनीकी प्रौद्योगिकी है, रोजगार परक है, ठीक है। ये छोटे एक एक पॉइंट लाइन लिखेंगे तो पता नहीं कब हो जाएगा, इसीलिए डायग्राम और पैसेज दोनों का मिक्सअप होना सवाल को पूरा करने के लिए ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप उपलब्ध होगा। अब इसके बाद हमें क्या बतानी है, इन तीनों की चुनौतियां भी बनानी पड़ेंगी, वरना आपका सवाल पूरा नहीं होगा। आप इसमें और भी सेक्टर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब जब आपके पास 150 वर्ड होते हैं या 250 वर्ड होते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाए, इसीलिए आप इनमें ही सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। वंचितता के तक, ये मैं वंचितता के तक को बता रहा हूँ, क्योंकि ये वंचितता के तक क्या होता है, गरीब लोगों से संबंधित होता है। गरीब लोगों से संबंधित का मतलब क्या है कि आए कम, वो डायग्राम बनाऊंगे। तो चुनौतियाँ क्या क्या हो सकती हैं वो हम इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, गरीबी में चिंता क्या हो सकती है कि अभी भी 21.9% जनसंख्या है तो ये उत्पादन नहीं करती है, यानी कि उत्पादन बिल्कुल भी नहीं है, तो GDP में कंट्रीब्यूशन ना के बराबर, विकास दर पे खराब इम्पैक्ट, गरीबी, ठीक है, आएगी, डिपेंड होंगे, ठीक है। इस तरह की सारी चीज़ें आप याद सकते हैं, बेरोजगारी, इस तरह के आप एक एक पॉइंट एक एक शब्द उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, अभी भी हमारी 100% शिक्षा नहीं प्राप्त की गई है। दूसरा क्या है, गुणवत्ता, आप देखते होंगे किसी सरकारी स्टूडेंट को स्टार्ट हुआ है, आप किसी वैलम या इंटरनेशनल स्कूल या CBSE ICSE बोर्ड वाले को, तो गुणवत्ता लिख दीजिएगा। जैसे कि अभी कोविड में क्या हुआ है, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, लेकिन गरीब बच्चा डिजिटल एजुकेशन कहाँ से लाए, मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल नहीं है उसके पास, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो डिजिटल डिवाइडेशन होगा, यानी कि डिजिटल विभाजन। आप इन सब चीज़ों को ना एक एक वर्ड में ही यूज़ करें और डायग्राम में दिखा दें। डिजिटल डिविडेंट आएगा, गुणता आएगी कि सरकारी स्कूलों के, और कंपैरिजन दिखा देना, गुणवत्ता में कमी होती है, कौशल शिक्षा नहीं किया जाता है, शिक्षा का जो पैटर्न है उसको प्रॉब्लम है, जो NEP आई है, नई शिक्षा नीति आई है, उसको कैसे उसके लिए अवसंरचना ही अभी ठीक नहीं है तो कैसे काम करेंगे। तो ये एक एक पॉइंट में आपको डायग्राम में ही करना है चीज़ें, ठीक है। बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। डिजिटल आएगा तो ये सब चीज़ आएगा,
उसके बाद इसी कारण क्या होता है, डिजिटल विभाजन में आप, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है, उस आपको जितना इनोवेटेड अपनी सोच अप्रोच रखेंगे उसको पॉइंट वाइज एक एक वर्ड में बस आपको बताना है कि मुझे आता है टीचर, क्योंकि सिर्फ 15 लाइन है यार और 250 वर्ड है या 150 वर्ड है। अब भोजन में क्या गुणता होगी, ठीक है, खाद्य सुरक्षा में क्या प्रॉब्लम है, हम चावल में सबसे बड़े निर्यातक तो बन गए हैं, आत्मनिर्भर भी बन गए हैं, लेकिन अभी भी पोषण स्तर हमारा बहुत खराब है, कुपोषण है यहाँ पर, इंस्टेंटिंग की भी प्रॉब्लम है, बीमारियाँ हैं, बीपीएल परिवार की संख्या बहुत ज़्यादा है, बीमारियाँ फैलती हैं जिसके कारण, तो पोषण स्तर अभी भी बना हुआ है। हम अपनी क्या कहते हैं राजस्व का 30% सब्सिडी में ही खर्च कर देते हैं। अब भैया अगर अपने राजस्व का रेवेन्यू का 31% या 30-30% योजना आयोग का बता रहा हूँ ये डाटे हैं, अगर हम केवल पोषण पर ही सब्सिडी पर देने पर कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपके देश में गरीबी जनसंख्या है, यानी कि आप उसे खाना दे रहे हो, यानी कि जो पैसा आपके रेवेन्यू डेवलपमेंट में यूज़ हो सकता था वो आपके इन्हें फ्री में देने पर हो रहा है, जबकि ये उत्पादन कुछ नहीं कर रहे हैं। आप इसको नेगेटिव मत लीजिएगा, इकोनॉमी सोच रखिएगा, यानी कि सब्सिडी का किसी भी विकसित देश में इतनी सब्सिडी नहीं दी जाती जितनी भारत में जाती, यानी कि उन्हें खाना देने के बजाय आप उन्हें कौशल बनाइए जिससे वो उत्पादन श्रृंखला में यूज़ हो सके, क्योंकि कहीं पर भी वंचितता देश की समृद्धि के लिए घातक होती है, ये सवाल भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो आप इसमें वर्ड यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, यानी कि सबसे पहले आपने भूमिका बता दी, 2022 में ये हो रहा है, जवाहरलाल नेहरू ने ये किया था, हम ये कर रहे हैं, जिस तरह का सवाल हो आप उसको तरह मेल्ट करके मोल्ड करके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद वंचितता जाल, किस वंचितता को ना, गरीब लोग होते हैं, गरीब के लिए मैटर क्या होता है, गरीबी, निरक्षरता, भोजन, घर भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, स्वास्थ्य भी इंक्लूड कर सकते हैं, सारी चीज़ इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, उसमें भी एक दो पॉइंट डाल सकते हैं, स्वास्थ्य भी डाल सकते हैं, निवास भी डाल सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ भी इंक्लूड कर सकते हैं, और इसी तरह से पॉइंट में आपको बता सकते हो, उसमें बहुत अच्छा आंसर बनेगा और कम से कम 10 में से 6-7 नंबर इजिली मिलेंगे 60% नंबर। तो आपने चुनौतियां बता दी सबकी चुनौतियां बता देना डायग्राम में ही, लाइन लिखने बैठोगे तो 500 वर्ड हो जाएगा भैया, बर्बाद हो जाओगे, बहुत सारे सवाल करने होते हैं वहाँ पर। तो अब हमने ये चीज़ हमने कर दी है, इसमें क्या कर सकते हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, कृषि में हमारी टेक्नोलॉजी पुरानी है, बहुत सारे लोग हैं, घर्षण बेरोजगारी है, एक एक वर्ड लिख देना सारा कुछ जो जो आपको समझ में आती, उत्पादकता बहुत कम है, ठीक है, सिंचित भूम जल नीचे चला गया है, जो भी आपको एक एक वर्ड में, लाइन में नहीं, तो ये चीज होता है, ठीक है, ये हो गया। यानी कि हम क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड फॉर्मेशन कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट, ठीक है, अब हम बात करेंगे, अब हमने ये सारी चीज़ें लिख दी, इसके बाद एक अच्छा सा आप डायग्राम यूज़ कर सकते हैं या बना सकते हैं। देखिए हमने प्रॉब्लम बता दी, भूमिका बता दी, प्रॉब्लम बता दी, अब आपने क्या किया, वंचितता का जाल के बारे में बात करेंगे, ठीक है, गरीबी आ गई, गरीबी ऐसे लिखते हैं, सॉरी, पावर्टी आ गया। अगर कहीं पर पावर्टी है तो उससे क्या होगा, उसका जीडीपी में योगदान नहीं, ठीक है, समृद्धि में योगदान नहीं, राजस्व का यूज सब्सिडी में चला जाएगा, आय नीचे चली जाएगी, विकास दर नीचे चला जाएगा, अवसंरचना नीचे चला जाएगा, प्रति व्यक्ति आय नीचे चली जाएगी। अब आप इनके एक एक लाइन लिखने बैठेंगे तो कहाँ से पेपर पूरा होगा,
तो सबसे अच्छा है कि टीचर को आपको बताना है कि मुझे सारा ओवरऑल पता है, प्रति व्यक्ति आय होगी, उत्पादन नहीं होगा, ठीक है, क्वेश्चन नहीं के बराबर। तो इससे क्या होगा, हमारे देश की विकास दर, तो इन सब चीजों से क्या होगा, वंचितता बढ़ती चली जाएगी। अतः कहा जा सकता है कि वंचितता के जाल को छोड़ने के लिए हमें नीचे तबके के लिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे, कृषि में नव अवसंरचना उत्पादन करना पड़ेगा, हमारे कृषि पैटर्न को बदलना पड़ेगा, पोषण स्तर को पैटर्न को बदलना पड़ेगा, हमारे स्वास्थ्य को बदलना पड़ेगा, हमारी शिक्षा के पैटर्न को बदलना पड़ेगा, गुणवत्ता लानी पड़ेगी, कौशल लाना पड़ेगा, तभी हम अपने देश के सर्वांगीण विकास में योगदान दे सकते हैं। अतः किसी राष्ट्र के विकास के लिए, उसकी स्थिति को सर्वांगीण सुखमय बनाने के लिए हमें इन सभी सेक्टरों पर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारतवर्ष में आज भी 21.9% या समथिंग कुछ होगा गरीबी जाल में फंसे हुए हैं, जिस कारण भारत की समृद्धि के लिए संशय पैदा होता है या घातक सिद्ध हो सकता है, ये आप कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो ये दोनों आंसर आपके इसी पैटर्न पर बनेंगे। ऑलवेज कंक्लूजन में पॉजिटिव अप्रोच दिखानी है, हाउ टू टैकल इंफॉर्मेशन, हाउ टू हैंडल दिस प्रॉब्लम, उसको अप्रोच बताना है और भारत को अच्छा पॉजिटिव सिनेरियो में आपको लेके जाना है। आई होप कि आपको मेरा ये इंटेंटिव बहुत क्वेश्चन के लिए अच्छा लगा होगा। आप मुझे क्वेश्चन जब आप लिख लें इस पैटर्न पे, एक बार आप मुझे पिक्स लिख कर मुझे भेज दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि वो सही है कि नहीं। आई होप कि आप यू लाइक माई वे टू टैकल UPSC क्वेश्चन, और इफ़ यू लाइक एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब एंड राइट डाउन एक कमेंट अबाउट टू माई पैटर्न ऑफ टैकलिंग, हाउ टू टैकल क्वेश्चन आंसर। आई होप यू लाइक माई वीडियो, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड लव यू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट एग्जामिनेशन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।